अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आपको जर्मनी की मुख्तलिफ मसाजिद में लेके जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि लोग दूसरे ममालिक के लोग कैसे अफ्तारी करते हैं। पाकिस्तानी कैसे अफ्तारी करते हैं, बांग्लादेशी कैसे अफ्तारी करते हैं, अल्बानियन कैसे अफ्तारी करते हैं, तुर्किश लोग कैसे अफ्तारी करते हैं और अरबी लोग कैसे अफ्तारी करते हैं। तो रोज़ एक मस्जिद को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ जाएंगे, वहाँ मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और उनके साथ अफ्तार करेंगे और आपको मस्जिद की भी सैर कराएंगे। मिलते हैं मस्जिद में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। ये मस्जिद जो है तुर्किम मस्जिद, ये वाइनहाइम शहर के पास है जो हम इस वक्त जा रहे हैं। वाइनहाइम ये मेरे मानहाइम शहर से तकरीबन 10 मिनट का है, एक छोटा सा शहर। अफ्तार में तकरीबन 10 मिनट रह गए, मगरिब की अजान होने वाली है, तो फिर इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं। ये प्लेट ले लेना। भाई ये है तुर्किश अफ्तारी। पहले ये सामान ले जा। Give me this flash. Go. ये भाई अफ्तारी है तुर्किशों की। ये दाल है, ये सब्जी है, ये कीमा और बैगन है और ये बाँस की दाल की कोई चीज़ है और ये रोटी देते हैं। है भाई हमजा, रोटी खोलें, अफ्तारी करें। اللهم اعوذ بالله من شر الفتن اللهم اني لك سمعت وامين اللهم اني لك سمعت وبك انت وتوكلت بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا अगर आप लेंजन सूप पे पिए ना। हाँ लेंजन सूप पे तो बहुत ही इनका आला होता है। ये है लाल दाल होती है मसूर की ना, लाल मसूर दाल, उसका ये सूप बनाते हैं, बहुत ही आला। तो आप देखें हाँ, तुर्किश फूड में सिर्फ ताकत है। तो भाई हम पर चेक करते हैं इनकी दाल जो बड़ी ही ज़बरदस्त बनाते हैं ये। आप देख रहे हैं कितनी तुर्किश लोग की सेहतमंद और अच्छी अफ्तारी करते हैं। हमदा
बहुत ही हेल्दी अफ्तारी होती है भाई तुर्किश लोगों की। ये देखें, बैगन के साथ कीमा है, ये खाएं आप। अब अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में ये जो तेल से बनी हुई चीज़ें खाई जाती हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार कीमा और ये बैगन है, यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही लजीज है। भाई बड़ा ही मज़ेदार था, मैंने तो चट कर दिया, पूरी अफ्तारी चट हो गई। चाहे तो आप और भी ले सकते हैं, मगर इस ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अफ्तारी कर जाएंगे